Welcome students. So today we are going to solve question number 5A. Let's see here. So आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से फॉर्मेट लिखा हुआ है, वेल चलेगा. अब क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं. के लिमिटेड इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. अब देखिए कंपनी जो शेयर्स इश्यू कर रही है वो कितने कर रही है बेटा, 1000 शेयर्स इश्यू कर रही है. इतना चीज तो सबको क्लियर है. ऑफ रुपीज 100 ईच, और उस शेयर की वैल्यू कितना है बेटा, 100 ईच. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि एक शेयर की वैल्यू 100 है, ये इसकी फेस वैल्यू है. ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. अब प्रीमियम क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, याद करो. इश्यू ऑफ शेयर्स में जब स्टार्टिंग किया तो बताया था एट पार एट प्रीमियम. एट प्रीमियम कहता है कि शेयर इश्यूड मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे, फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे. प्रीमियम के लिए यहां पे इंस्ट्रक्शन है कि प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है 10%. हाउ मच बेटा, 10%. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब ये प्रीमियम का परसेंट निकालेंगे किस पे बेटा, कुछ भी मेंशन हो या ना हो, ये हमेशा हम फाइंड आउट करते हैं फेस वैल्यू पे. किस पे फाइंड आउट करते हैं, फेस वैल्यू पे. लेट्स सी. तो 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, उसका 10% कितना हो जाएगा सर, 10 रुपी हो जाएगा. अपना प्रीमियम कितना हो गया, 10 रुपी. ओके, तो कंपनी किसी भी शेयर्स पे टोटल अमाउंट कितना कॉल करेगी, 100 + 10 = 110 कॉल करेगी कंपनी. और अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कैसे कॉल किया कंपनी ने. कह रहा है 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. लेट्स सी, एप्लीकेशन पे कितना, 20 रुपी. ओके, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. आगे बेटा ब्रैकेट और क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 10. मतलब इसमें 10 रुपी प्रीमियम का इंक्लूड है, इसमें 10 रुपी प्रीमियम का इंक्लूड है. लेट्स सी द सेंस कि 30 रुपीज एक्चुअल में कैपिटल का पार्ट है और 10 रुपीज एक्चुअल में इस 40 में से क्या है, प्रीमियम का पार्ट है. इतना कॉन्सेप्ट आया, इस 40 में 10 रुपीज इंक्लूड है प्रीमियम का, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है. दैट्स मीन कि 40 में से 30 किसका पार्ट है बेटा, हमारे कैपिटल का पार्ट है, और 10 रुपीज तो मेंशन ही है कि ये हमारा क्या है, प्रीमियम है. चलो इतना कॉन्सेप्ट आ गया. फर्स्ट कॉल पे देखो कह रहा है बेटा 25 रुपीज. चलो भाई ये भी कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है कि फर्स्ट कॉल पे 25 मांग ले रहा है. ओके, अब बेटा सेकेंड कॉल पे कितना, सेकेंड कॉल पे कितना कह रहे 25. लेट्स सी द अमाउंट, 20 और 40 60 और 25 85 और 25 110. आया समझ में कि नहीं आया, सेंस क्लियर हुआ कि नहीं. इतना था क्वेश्चन. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन के पैसे को मांगेगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी. 1000 शेयर इशू किए थे तो 1000 × 20, तो टोटल अमाउंट जो मिलेगा हमें किस पर, एप्लीकेशन पे, कितना मिलेगा, 20,000. क्लियर है भाई यहां तक. ओके, अब नेक्स्ट एंट्री बेटा क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड हो गया कैपिटल में. ओके, ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट बेटा अलॉटमेंट पे आप पैसे मांगे जाएंगे. जरा देखो कंपनी अलॉटमेंट पे 30 रुपीज कैपिटल के और 10 रुपीज प्रीमियम दोनों मांगेगी ना, और प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं किसी कंपनी को वो उसके लिए क्या है, एडिशनल इनकम है, उसके लिए सरप्लस है. सरप्लस है तो उसका बेनिफिट है, बेनिफिट या इनकम जब बढ़ती तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. वो मान लिया बेनिफिट है तो क्रेडिट है. ओके, तो हम इसकी कॉल कर रहे हैं, इसमें पैसा मांग रहे हैं. तो लेट्स सी हियर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर्स का 40 रुपीज के हिसाब से कितना हुआ, अलॉटमेंट पे टोटल कॉल किया हमने 40,000.
जिसमें से हमें पता है कि 30 हमारे कैपिटल का है, तो हम इस 40,000 में से 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,000 × 30 हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। अब प्रॉब्लम आ रही है कि बोथ साइड इक्वल नहीं हो रहा है, 10 रुपीज है किस चीज का इंक्लूड, प्रीमियम का, लेस सी है, यहाँ पे एक अकाउंट बढ़ जाएगा क्या, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट कितना बेटा, सिंपली 10,000। यही था इस क्वेश्चन में नया, बाकी कुछ क्वेश्चन में है वे नहीं बेटा, यही एक चीज थी जो नई थी इस पूरे क्वेश्चन में, क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नाउ कंपनी ने कॉल कर ली, अब क्या होगा, कंपनी रिसीव द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी को पूरा पैसा मिल रहा है, तो पूरे 40,000 मिलेंगे कंपनी को यहाँ, तो सिंपली ये तो 40,000 रिकॉर्ड हो जाएगा। अब क्या, अलॉटमेंट भी क्लियर हो गया, एप्लीकेशन क्लियर हुआ, अलॉटमेंट, नाउ कंपनी कॉल ऑन फर्स्ट कॉल, कंपनी कॉल ऑन फर्स्ट कॉल, 25 रुपीज 1,000 शेयर्स पे, तो 25,000 हुए शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। नाउ मनी रिसीव बाय द कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 रुपीज। द नेक्स्ट थिंग, अब सेकंड कॉल अगर है तो कॉल होगी, फर्स्ट कॉल तो कंप्लीट, हाँ सेकंड कॉल है ना सर 25 का, ये भी कंप्लीट, कैसे 1,000 × 25 तो 25,000 कॉल करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 की कॉल है, ओके पैसे मिलेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, पैसे मिल गए पूरे ड्यूली रिसीव्ड बेटा, अब इसका ग्रैंड टोटल कर लेना, सम कर लेना, क्लियर है। ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 5A रहा, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना 4A के साथ 4B किया, इसमें भी हम 5A के साथ 5B को भी देखेंगे। चलो देखो, देखने के लिए मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी 5B, ओके 5B क्या है, देखो बेटा कह रहा है कल्पना लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। देखो इश्यू हो रहा है, कंपनी ने जो इश्यू किया, इश्यू ऑफ शेयर्स, और ये पूरे सब्सक्राइब्ड है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, तो ये है बेटा 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹20, प्रीमियम का अमाउंट इस बार डायरेक्टली मेंशन है, कोई परसेंटेज नहीं है, डायरेक्टली मेंशन है ₹2, तो टोटल वैल्यू कितनी 22 रुपीज, ओके। फिर बेटा क्वेश्चन में कह रहा है ₹4 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना 4 रुपीज, ओके ₹7 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना बेटा 7 रुपीज, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना यहाँ 2, कैपिटल का 5 हो गया, प्रीमियम का 2, इतना तो क्लियर ना, कैपिटल का 5 प्रीमियम का 2, क्यों, क्योंकि ये 2 इसमें इंक्लूड है। अब आगे कह रहे एंड बैलेंस ऑन कॉल, बाकी का फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, तो जरा देखो ना, अब जरा देखो ना बेटा 22 का था 4 और 7 11, तो 22 करने के लिए कितना चाहिए 4 और 7 11, तो यहाँ भी तो 11 होगा तभी तो 22 होगा, ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे कितनी डिमांड हो रही है 11 की, इतना क्लियर हो गया, ओके जब ये हो गया अपना, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं इसको, भाई लास्ट क्वेश्चन की तरह कुछ भी नया नहीं है, डोंट वरी कुछ भी नया नहीं है, नया नहीं है तो फिर देखो कैसे करते हैं सर इसको। पहले तो क्या, एप्लीकेशन का मनी रिसीव होगा, तो इसको शुरू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 शेयर है 4 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 80,000, यहां तक होपफुली आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, अब क्या, अब बेटा एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें तो कोई एंट्री चेंज वेंज नहीं होनी है,
ओके ये भी कंप्लीट अपना। अब बेटा अप्लीकेशन खत्म, अलॉटमेंट की बात आती है। तो अलॉटमेंट पे 7 रुपीज, जिसमें से 5 है कैपिटल, 2 है प्रीमियम। लेट्स सी हियर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 के अकॉर्डिंग 20,000 × 7, ये हम सबको पता है 1,40,000। कैपिटल कितना है? 5 है, तो 20,000 × 5 कितना हो गया कैपिटल? 1,00,000। और 20,000 × 2 तुम्हारा प्रीमियम हो गया बेटा, ये कितना है हम सबको पता है, इनटू करने के बाद 40,000 आ रहा है। तो ये था बेटा बेसिक चीज। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो पूरा पैसा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है ना ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, तो ये हो गया 1,40,000। नाउ द बैलेंस जो फर्स्ट कॉल है वो कितना है? 11 के अकॉर्डिंग है, तो बेटा बैलेंस कितना? 20,000 × 11 करने पे आ रहा है 2,20,000। पहले कॉल करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,20,000 का। और पैसे पूरे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में एक लास्ट में दिया है द शेयर इश्यू एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹20,000, ठीक है, विच वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके लिए दो एंट्री पास हो गया, वो एंट्री देखो। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना 20,000 का, उसकी एंट्री पास कर दो, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है बेटा? 20,000 हो रहा है, क्लियर है, टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर पेड 20,000 20,000, क्लियर है यहां तक। अब क्या कंपनी कह रही है कि इस एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया। देखो बेटा प्रीमियम यहाँ क्या है, क्रेडिट है। राइट ऑफ के टाइम बताया ना कि जिससे भी राइट ऑफ हो रहा है या जो राइट ऑफ होता है वो अपोजिट हो जाता है। एक्सपेंस डेबिट है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। किससे सेट ऑफ कर रहे हैं? रिजर्व से, इस रिजर्व से, प्रीमियम वाले रिजर्व से। ये यहाँ क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, नॉर्मल से एंट्री है। तो चलो अब इसको करते हैं राइट ऑफ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये कितने बेटा? वही जितने के थे, 20,000 20,000। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन था, आप सब देख सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है बेटा। 5A और 5B, हाँ 5B में एक चीज क्या कि ये जो दो एंट्रीज है ये नहीं पास होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सेकंड कॉल तो किया ही नहीं गया था, फर्स्ट कॉल पे पूरी पैसे मांग लिए गए थे, क्लियर है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल।